दोस्तों आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम का जो पिन होता है उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे घर बैठे ऑनलाइन। तो आज की वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम का जो पिन होता है उसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से बनाएंगे, तो आज की वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको वीडियो को आपको शुरू से लेकर आपको लास्ट तक आपको जरूर देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को करते क्या है कि शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड का जो पिन है उसको बनाने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो इसमें आपको सर्च करना है एसबीआई क्विक। जैसे आप इसमें एसबीआई क्विक आप इसमें सर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एसबीआई क्विक का इस तरह का एप्लीकेशन आया है। तो सिंपली यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमको ये वाला एप्लीकेशन को हमको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो हमारे सामने में काफ़ी सारे यहाँ पर हमको ऑप्शन यहाँ पर हमको दिखेंगे। तो यहाँ पर हमको इसमें करना क्या है कि यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर एटीएम कम डेबिट कार्ड का। तो यहाँ पर हमको एटीएम कम डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कीजिएगा तो देखिएगा हमारे सामने में तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला कि यहाँ पर एटीएम कार्ड ब्लॉकिंग का, उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में मिलेगा कि जनरेट ग्रीन पिन का, तीसरा ऑप्शन में हमको मिलेगा कि अबाउट एटीएम कार्ड का। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि एक ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने में दिखा देगा जनरेट ग्रीन पिन का, तो यहाँ पर हमको इसी वाले ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर देखेगा हमसे कुछ डिटेल यहाँ पर हमसे मांगेगा। तो यहाँ पर हमको इसमें सबसे पहले करना क्या है कि, तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर दोस्तों कि लास्ट फोर डिजिट ऑफ वेयर डेबिट कार्ड नंबर। तो यहाँ पर आपका एटीएम कार्ड का जो लास्ट का जो भी फोर डिजिट का जो अंक होगा वो अंक यहाँ पर आपको इसमें एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट का जो भी लास्ट का फोर डिजिट का जो भी अंक होगा वो यहाँ पर आपको इसमें एंटर करना है। एंटर कीजिएगा तो एंटर करने बाद यहाँ पर देखेगा हमारे सामने में एक ऑप्शन यहाँ पर सबमिट का मिलेगा। सिंपली यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमको सबमिट वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा हमारे सामने में फिर से इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हमको उसके बाद यहाँ पर हमको करना क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कि अकाउंट सर्विस का, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा यहाँ पर हमारे सामने में इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हमको इस तरह से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो देखिएगा नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने में दिखा देगा कि फुल लिस्ट ऑफ सर्विस का। यहाँ पर हमको इस वाले ऑप्शन पर हमको टिक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद देखिएगा हम फाइनली अपने मैसेज का जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन है उसमें आ गए हैं। तो यहाँ पर हमको इसमें करना क्या है कि यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन यहाँ पर हमको मिलेगा कि हेल्प का, तो हमको ये वाला ऑप्शन को करना क्या है कि हमको यहाँ पर हमको इसको हटाना है। हटाने के बाद इसमें हमको लिखना है एटीएम पिन जनरेट। जैसे आप इसमें इतना लिखिएगा तो उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा कि सेंड एसएमएस का। यहाँ पर हमको इस वाले ऑप्शन को हमको इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइनल देखिएगा तो हमारा जो एटीएम का जो पिन है वो फाइनली बन गया है। उसके बाद यहाँ पर चेक कीजिएगा तो हमारा यहाँ पर एटीएम पिन का जो भी अंक होगा यहाँ पर हमारे सामने में दिखाई देगा।